भोजपुरी सिनेमा की क्वीन के नाम से फेमस एक्ट्रेस रानी चटर्जी जल्द ही अपनी नई फिल्म लेकर आ रही हैं। क्वीन ऑफ भोजपुरी रानी चटर्जी और रितेश पांडे की फिल्म रानी वेड सुराजा का फर्स्ट लुक आउट होते ही वायरल हो गया था। इसमें दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में नजर आ रहे थे, तो वहीं इसमें रानी और रितेश एक दूसरे की आंखों में झांकते नजर आ रहे हैं, जो इशारा करती है कि फिल्म रोमांटिक लव स्टोरी वाली है। इससे पहले प्रशांत कुमार गिरी पहले ही रानी वेड सुराजा को सामाजिक एंटरटेनिंग फिल्म बता चुके हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक ने कई राज खोल दिए हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक इसकी पुष्टि भी करता है। वहीं अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजा यानी रितेश पांडे की केमिस्ट्री पहली बार रानी के साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। इसका इंतजार दोनों के फैंस को है। साथ ही साथ भोजपुरिया फिल्म पंडितों की भी नजर इस जोड़ी पर है कि वो फिल्म को कहां तक ले जाने में सफल हो पाते हैं। फिल्म का पहला लुक आउट होने के बाद रानी चटर्जी ने कहा है कि रानी वेड सुराजा का कथानक मेरे मूड के हिसाब से है। फिल्म की कहानी दर्शकों को बखूबी पसंद आएगी और वो हॉल में एंटरटेन होकर ही बाहर आएंगे। अभी फर्स्ट लुक को जिस तरह से लोगों ने सराहा है, वे हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फिल्म का ट्रेलर और टीजर जारी किया जाएगा। रानी ने कहा है कि रितेश के साथ केमिस्ट्री बेहतरीन है, जैसा लोग कहते भी हैं। रितेश काफी प्रतिभाशाली कलाकार हैं। मैं भी चाहती हूं कि हमारी फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज हो। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।